नमस्कार सभी साथियों को जो भी वीडियो देख रहे हैं। अगले दिन की शुरुआत हो गई है, हालांकि हो तो दोपहर गई है पर जब शुरुआत ही दोपहर से करनी पड़ रही है, ठंडी इतनी पड़ रही है। सूरज दिखाई दिए हुए कम से कम 15 दिन हो लिया, आज सूरज के दर्शन न हुए हैं। पता न चल गया ठंड सहने की क्षमता कम हो गई या ठंड बढ़ गई, कुछ समझ में ना आ रहा। एक जमाना था यहाँ पहले, जितना गहराई का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ एक भट्टा हुआ करता था ईंटों का, इसका नाम था गोविंदपुर ध्यान सिंह गांव का नाम था, यहाँ जो बसता था पहले। भट्टे के साथ वो भी जुड़ गया, अब केवल नाम नाम रह गया। इन सब जमीनों काग मतलब जमीनों का जो नाम है कागजों में वो दूसरा है, जबकि गांव है नहीं कोई यहाँ पे आबाद। रास्ते में खड़ा ट्रैक्टर, अभी पता ना किधर को बचाएंगे, वहीं चल के देखते हैं। कुछ काम हमारे ये जो पड़ोसी हैं इधर के खेत वाले, इन्होंने हल्का कर दिया, ना तो अच्छी खासी मेहनत कर रहे होते बिना मतलब की। ये इनका खेत यहाँ पे इनका गहरा है, हमारा खेत ऊंचा है, आगे जाके इनका खेत ऊंचा है और हमारा नीचा है। तो अभी पिछले साल हमारे पड़ोसी पिनक बहुत जल्दी जामे है, तो यहाँ से पानी उतर गया थोड़ा, वो तो साहब लड़ने को तैयार थे। मन क्या जी, बुजुर्ग आदमी है, क्यों बिना मतलब का झगड़ा करा जावे, झगड़े में वैसे रखा भी कुछ ना है, बिगड़ता कुछ ना है। चल ए चल जा भाई। अब यहाँ देखो, यहाँ तक पानी आ गया इनका, आगे से इन्होंने गेहूँ भरे अपने, पानी टूट गया इनका, शायद इन्होंने देखा ना होगा रात उसमें, तो देखो यहाँ तक पानी आ गया। अब इसमें को गन्ना तो निकलने से रहा, गन्ना लोड की टिपलर वो तो बैठ जाएगा इसमें, निकलेगा ही ना, बैल से गाड़ी खींची ना रही ढंग से। चलो भाई, ऊपर से सरकार ने खड़े कर दिए रावण, चल चलो। अब इसमें को गन्ना निकालने के बारे में सोच भी कह सके इसमें अभी, अब एक दो दिन, एक पर्ची है 8 तारीख के तुलने की, अब वो आज शाम तक ही तुल सका है मील के नियम के हिसाब से। जो गाड़ना जाए निकलेगा ही ना इस खेत में, तो फिर मतलब ही ना गन्ना भरा जाने का। इसमें तो पानी भर रहा है अभी, गारा हो रहा है। अरे चल आ, अरे अरे भाई रखवा, अरे अरे चल सीधा खेच, बैल से गाड़ी खींची ना रही। ये उन्होंने गेहूँ भरे हैं, पानी का ध्यान करा नहीं, बैल भी थक गया, रुक गया, मुझे भी गिराया दे भाई। अभी गन्ना भी तो नन्ना नन्ना रह गया इसमें तमाम। ये उधर से झुलेगी, इन बड़ी लाइनों का ऐसा जंजाल बना है बिजली विभाग ने कि चारों तरफ बड़े बड़े खंभे, ये 1,32,000 वोल्टेज के की लाइन जा रही है, ये खंभे जा रहे हैं, ये 33,000 वोल्ट की है, उससे कुछ दूरी पर आ गए एक और लाइन है, वो 4,00,000 वोल्टेज की है, पूरा बिजली घर बना दिया क्षेत्र में, सब जमीनों का नुकसान ही नुकसान कर दिया इन्होंने। हालांकि ये विकास की चीज़ है, देश में तरक्की का एक अहम वस्तु है वो बिजली,
लेकिन विभाग जिस तरीके से काम करता है, बिजली विभाग, इनका कोई आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। जिस अभी पता चला कि लाइट यहाँ से जाएगी दूसरे क्षेत्र में तो नई लाइन बनाएंगे, मतलब व्यवस्थित तरीके से नहीं है। जैसे कि एक मास्टर प्लान लागू करके विकास करना चाहिए, ऐसा कुछ ना है। अब मैं अपने गांव का दिखाऊंगा हाल आपको। अभी हमारे गांव में पाइपलाइन दब रही है पानी की, जो सरकारी टंकी की व्यवस्था रहेगी, जबकि हमारे गांव में अभी लगभग मैं मानता हूँ आवश्यकता है नहीं उस चीज़ की, क्योंकि हर एक के घर में समरसेबल है, क्षेत्र में कोई पानी की समस्या है नहीं। तो जहाँ पानी की समस्या है, पहले सरकार वहाँ पे इंतजाम करती पानी का तो बेहतर रहता। अपना भोजन ग्रहण करती हुई, लोग कह रहे हैं गाय परेशान है। मेरा सोचना इस मामले में थोड़ा अलग है। अब यो है, हालांकि आजाद है, ठंड तो लगी रही होगी इसे, लेकिन खाने को भी तो मुझ अपना आज़ादी है। हालांकि धक्के देते रहे मैं किसान जहाँ तहाँ से, अपने खेतों में भी हर एक कोई रखवाली कराए, लेकिन फिर भी अपना पेट तो भर ही ले। तरह तरह की चीज़ें खा मैं, आज़ादी है ना, और ये सब जो देश तरक्की कर रहा है उसके उसका इफेक्ट है हर एक चीज़ पे। हर जगह कंक्रीट होता चला जा रहा है, मकान बन रहे हैं, ज़मीनें कम हो रही हैं, तो वो किसानों के लिए भी और जानवरों के लिए तो भारी समस्या है। जानवर तो टोटली डिपेंड खेती पर ही है। चलो इंसान तो एक बार को ऑर्डर कर लेगा ना साहब, देश में ना हो रहा, अमरीका से मंगवा लिया, लेकिन ये जानवर थोड़ी ना मंगवा लेंगे अमरीका से या कोई और बिना मंगवा रहे इनके लिए। सब बैलेंस ख़राब होता चला जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन प्रकृति है, एक ही झटके में अपना सुधार कर लेगी। जब तक बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त कर रही है। ये खेत वाले हैं नहीं मानते, अब भी जने क्या क्या टांग छुटा रहे हैं, जने बांध रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही हमारे। अभी पूछते हैं इनसे चल के। तो यो पन्नी हटा रहे हो, तारबंदी हटा रहे हो क्या मोदी जी? तार बांध दिए थे, तार तो बंधी रहे हैं, सो तो तुमने करी रखी। तार बांध दिए थे ताकि गाय इसे नहीं खा। मैं तुम्हारी आवाज अभी कम आ रही होगी, रुक जाओ पास को आ जाओ। तो ये आज छुटा रहे हो शाम जाऊंगा? हाँ, ये मैंने तार बांधे थे, गाय जो इसमें नहीं बढ़े, नील गाय गाय करती थी, ठीक है। लेकिन रात जो है मुझे योगी जी और मोदी जी के दर्शन हुए। अच्छा, सपना आया या ईमेल, मतलब वीडियो कॉल कर ली उन्होंने? सपने में। अच्छा, सपने में के लिए, ताकि उन्हें मैंने वो स्लैब बनाया एक, ताकि वो उतरने में दिक्कत ना पड़े। अच्छा अच्छा, गौ माता जो है। अच्छा, वो जो बनाया सामने गहरा था ना खेत। अच्छा अच्छा, हाँ तो सही है। तो जैसे कोई गौ माता लंगड़ी है बेचारी, हाँ, या बूढ़ी है, ठीक है, उससे खेत में कोई नहीं उतरा। सुनाओ क्या हो रहा? सुनाने क्या भैया, गाड़ी छोड़ गया हूँ खेत पे। अच्छा, वो हमारे पड़ोसी ने पानी निकाल दिया उसमें खेत में, तो हमारे काम खत्म कर ही दिए हैं उसने, जो 7-8 दिन के लिए पेड़ी में को, हाँ वो गन्ना छुल भी रहा, उसमें गन्ना पड़ा। हाँ, क्या है यार, क्या हो कहो क्या यार, मेरा पानी उतर गया जब ये खेत में भी है, बल्कि सही पूछो तो उस टाइम ये अजी लड़ लेते, मैं बता ही रहा तुमसे, बुढ़ाई लड़ने को तैयार हो गए वो। हमारा खेत तो नीचा ना, उल्लेर वाला ऊंचा। तो अब जब इनका निकल गया गेहूं, तो वो नक्का भैया बंद भी ना करा अभी। अच्छा, वो पता चला, मुझे लगा सही रात चला के छोड़ दिया है, क्या करा है वो नीचे ऊपर वाले खेत में, सब में है पानी पानी। अब भैया 8 तारीख की पर्ची, वो अब ऐसे ही कैंसिल हो जाएगी आज। 8 तारीख की? हाँ, आज तो 11 हो गए, 8 तो आज तो तुल जाती, 9-10, आज तुल जाती, लेकिन वो भरवाई क्यों ना, अब भरवाऊँ कैसे, निकले कैसे वो गारे मगू पूरा भर गया पास है। हाँ मतलब जहाँ करना वहाँ निकल के, मतलब निकलेगा ना बिना पानी के गारे के। मुझे लगा रात ही महाराज जी गया मौका गए ना। देखो यो सब कुरीद्या है यहाँ को, हाँ
था, जबकि वो तुमने अच्छा रपटा बनाया है इनके गायों के लिए। हाँ और क्या ऐसा, मैंने जितनी जई बोई ना, मैंने तो वो उसकी बाउंड्री ना करी, मैंने कहा भैया चीसा छो, मैंने बरसिंग को बक्से रही हो, बरसिंग को वो ऐसा है जैसे जई खत्म हो जाएगी हाँ। तो फिर बरसिंग खाना चालू कर देंगे। हाँ तो भैया मैंने तो जई छोड़ दी, मैं कहा तुम खाती रही, तुम बरसिंग छोड़ोगे यार, तुम खुद ही छूट जाओगे हाँ। चलो उठाओ गड्डी, उठाओ, उठवानी है क्या? हाँ उठा दो, अरे लगाओ जोर, जवान 16 साल के फटते हो तुम अभी यार। भैया कमर में दर्द होने लगा, लो जवान है लोंडे में खासी उठवा दिया भाई। अरे भैया जिम जाऊं हूं मैं, जिम जाऊं, जिम हल्के में ले रहे हो तुम। अरे जिम जाऊं यार, अगर जिम हाथों में ताकत भी मतलब मांसपेशियों में ताकत भी ना रहे तो फिर काया का जिम में फिर बेकार है। और कब से? अब से, चलो आज से मतलब नहीं है, कर कर वो कहे ना, कल से करो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ऐसी सर्दी में मोटरसाइकिल चलाने का मतलब समझ लो डेयरिंग काम है, आसान ना बिल्कुल भी। इसको मीटर से ऊपर को मीटर चलाने की हिम्मत ना हो रही, हालांकि मोटरसाइकिल के आरपीएम तो बहुत तगड़े हैं, 9000 आरपीएम पे चल रही है, लेकिन रफ्तार है मोटरसाइकिल की 21। अरे एक बढ़ गई, कम करो भाई, कम रहे भाई। ये आ गया राइट टर्न, पीछे को देख लेता हूँ एक बार मुड़ के, कोई नहीं है। पत्ते भी ना हिले पेड़ के, ठंड में सब कुछ सुन रहे। वैसे मजा तो नैनीताल का मजा आ रहा है इस टाइम, जहाँ गर्मियों में जाने का, गर्मियों में जो आनंद हमें चाहिए जाड़े का, वो आनंद अब है। 6 महीने बाद ये प्रकृति, जब हम गर्मियों में मांगते हैं कि भगवान ठंड डाल दे ठंड, अब इतने दरखास्त पहुँचे, इतने 6 महीने निकल जाए, ठंड आ गई, अब हम मांगेंगे गर्मी, अब 6 महीने निकल जाएंगे इस दरखास्त को पूरे होने में। ऊपर वाला भी सही कर रहा है अपने काम को, जो भी कर रहा है, हालांकि वो तो जो भी कर रहा है ठीक ही कर रहा है, नीचे वाले ही ना समझता टाइम से। दूर तक इंसान ना दिखाई दे रहा, किसी में भी आ भी रहे हैं तो अपना जरूरी काम से ही आ रहे हैं भैया। मट्टी बनना है इनकी तो हो जाएगी भैया, एक्सरसाइज ट्रैक्टर वाले, कोई दिक्कत ना, दिक्कत तो आराम से गर्मी जाएगी, कार्डियो हो जाएगा अच्छा खासा। गेहूँ सब चुके पड़े हैं, ये गेहूँ, ये गांव आ गया हमारे गांव से चल के 1.5 किलोमीटर की दूरी पे भंडपुरी ना। अंधेरा, कोई बंदा ना आता है, एक हामी है जो टिक रहे हैं। ठंडा पड़ा होगा, सब गर्म होगा, हम भी ठंडे। शटर कुकर ले में से बंद, ठंड नहीं लगनी चाहिए भैया। अब हम जरा अपने वस्त्रों का वो करें, कपड़े का थोड़े पहन रखे हैं, यहाँ तक पहुँचने में भी लंका लग गई। अपनी जोड़ीदार को फोन कर लें जरा हम, ओके जी, मुलाकात होती है फिर। जिम से संबंधित जो वीडियो है मैं डालता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ दे दूँगा।